मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं इंटरनेशनल फुटबॉल टीम की कैप्टन हूँ अभी 2015 में। सोनी 2010 में हमारे पास फटा हुआ कपड़ा पहनकर फ्रॉक पहनकर आई थी, एक दिन आई, दो दिन आई, तीसरा दिन जब वो फील्ड में आई तो दो राउंड चार राउंड जब सीने तो उसके बाद वो गिर गई। हम बोले कि काहे नहीं दौड़ रही हो, बोली कि भैया पेट में दर्द होता है, नहीं काहे रात कुछ नहीं खाए थे, रात घर में कुछ नहीं बना था, कुछ था ही नहीं, पापा का काम नहीं चला, उसके बाद से हमारा और उसका काम स्टार्ट हो रहा है। बहुत खुश रहते हैं, मेरा टीम जीता तो और खुशी मिलता है कि हाँ कोई भी मेहनत कर, हम लोग इतना गरीब है तभी भी हमको एहसास नहीं होता कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग हौसला रखते हैं अपने आप में कि हाँ हम लोग जीत जाएंगे। अब मेरे घर पे, मेरा घर पे चापाकल नहीं है, बहुत गरीब है, हमको खाने पीने के लिए भी नहीं है, मेरा घर नहीं है। और उसके बाद मैं अपने दोस्त में हम फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ पे मेरी सब लड़कियाँ बोलती हैं तुम्हारे घर पे चलेंगे, उनको इतना शर्म लगता है कि हम लोग बुलाएंगे तो बैठाएंगे कहाँ पे। आर्थिक रूप से अगर किसी को मार दिए तो उसका हौसला खत्म हो जाएगा, वही मेरे साथ हो रहा है कि अब मेरा भी दम घुट रहा है और मैडम किसी ने मदद नहीं किया है आज तक। सोनी का तो लगभग सब चीज 2010 जून से लेकर आज तक हम ही कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस युग में स्पोर्ट्समैन को भी, नेशनल स्पोर्ट्समैन को कम से कम दूध चाहिए, अंडा चाहिए, चना चाहिए, अच्छा डेट चाहिए, हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि मेरे पास सही नहीं, वही रोटी तरकारी सब्जी रोटी जो आप अभी देखिए यही सब हम इन लोग दे पाते हैं। और आगे बढ़ना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया प्लेयर बने और मेहनत करके फुटबॉल खेले, अपना आगे बढ़ाएं। सोनी के लिए कुछ मदद कर दीजिए आप लोग की, ये आगे बढ़े और ही इतना तक हम मेहनत किए हैं, अब आप लोग मेहनत करके बढ़ाइए। मैं भाइयों और बहनों लोग से कहना चाहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ और वो लोग सुन रहे हैं तो मेरा मदद करें।